मैं चांदक्यास अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। काफ़ी सालों पहले कल्पना हमने की थी, ओएस अली भट्ट हमारे साथ वहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे, कि जम्मू एंड कश्मीर के में एक माहौल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज को लेके जाना है। और इसके लेकर के हमने करीब 6 साल पहले ये प्लान किया और जम्मू में हमने यहाँ के सेंटर स्टार्ट किया। और ओएस अली भट्ट ने काफ़ी अच्छा है कि इसमें माहौल बनाने में इसका मौका दिया। कई बार पहले भी हमने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल से यही 4th प्रोग्राम हम लोग का होगा पिछले कई सालों के अंदर में। जब भी हम आए काफ़ी हॉल खचाखच भरा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन, बच्चों को उत्साह रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर की खासियत रही है कि यहाँ के बच्चों के अंदर लगन काफ़ी है, सिख अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, अभी भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जानकारी इसलिए ट्राइबल इंस्टीट्यूट का हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ट्राइबल बच्चों को भी कैसे सामने लेके आए। तो ये एक मौका है जिसमें सिर्फ ट्राइबल बच्चे नहीं बल्कि जनरल में भी एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर आज कुछ ऑफिसर्स सिलेक्टेड न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग आज भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हम कोशिश ये करने जा रहे हैं कि लोगों के अंदर में एक उत्साह भरें, उनको एक जानकारी दें, बेसिक फार्मूला समझाएं कि कैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को एक साइंटिफिक तरीके से आप कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। आज चाणक्यास अकेडमी के जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर हैं, श्रीनगर में भी हैं, जम्मू भी है, और दोनों क्षेत्र मिला कर करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खास करके यूथ में, मिशन यूथ में काफ़ी बड़ा सपोर्ट देते हैं, विश्वास दिखाते हैं, बड़ी संख्या में चाणक्या में जम्मू और कश्मीर दोनों में अच्छे स्टूडेंट को भेजा है, ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने भी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद एक अच्छी जो जानकारी के साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और बढ़ेगा और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मैं इसी मकसद के साथ आज सेमिनार के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। और जैसा कि आप ज्ञात होगा, मैं एक ऑल इंडिया में एक मोटिवेशनल टॉक के लिए मैं लगातार हर शहर के 2-3 में अलग अलग शहर के अंदर मैं जाता रहता हूँ। तो हमेशा मुझे एक बहुत बड़ा आकर्षण रहा है जम्मू आना, और इस बार फिर से देख करके आप सबों का सहयोग देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी है। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा पहुँचने में आप हमारी मदद करें।